शुरुआत करेंगे। बीजेपी का सरकार के खिलाफ वादा निभाओ प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया जा रहा। किसानों के मुद्दे पर भाजपा प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में धरना दे रही है। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी और 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, 24 घंटे के भीतर किसानों के भुगतान की व्यवस्था, रकबा घटाने का षड्यंत्र बंद करने और बकाया 2 साल का बोनस देने संबंधी मांगों पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी जी। आशीष जी, भाजपा का सरकार के खिलाफ वादा निभाओ प्रदर्शन जारी है प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की अगुवाई में। क्या लगता है इस प्रदर्शन के जरिए क्या बीजेपी माहौल बनाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, कोशिश तो इस बात को लेकर ही बीजेपी करेगी, लेकिन जिस तरीके से देश में किसान सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है उसकी भी वानगी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही है। पंजाब की तस्वीरों को हमने देखा कि जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में होने के बावजूद केंद्र सरकार के विधेयकों के विरोध में सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करती है, राहुल गांधी ट्रैक्टर में आते हैं और वो तस्वीर देश भर में एक संदेश देने की कोशिश करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में चूंकि बीजेपी को काउंटर अटैक कर रहा है और यहाँ पर बीजेपी ऑपोजिशन पार्टी है, इस लिहाज से राज्य के किसानों के मुद्दों को बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी उन मुद्दों को लेकर आज सड़कों पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। तमाम जो नेता है बीजेपी के अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और राज्य के जो मुद्दे है, खास हिंदी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, ऐसे मुद्दों को उठाते हुए बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है, पूर्व मंत्री और सरकार के बीजेपी के प्रवक्ता जो है, बीजेपी के प्रवक्ता राजेश मोदी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जिन मुद्दों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदेश व्यापी ये प्रदर्शन है, लगता है कि उन मुद्दों पर आप लोगों को कामयाबी मिल पाएगी और सरकार आपकी बात सुनेगी? देखिए, सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ का किसान कृषि पर आधारित किसान है। सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की लेकिन उन घोषणाओं पे इम्प्लीमेंट आज तक नहीं कर पाई। सरकार ने कहा कि हम 2 साल का बोनस देंगे, किसान को 2 साल का बोनस नहीं मिला। आपने समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी लेकिन समर्थन मूल्य के साथ में आपने अभी तक 4 किस्तों में 2 किस्तें दी है, 2 किस्त किसान मोहताज हुए घूम रहा। हम 1 नवम्बर को पूरे प्रदेश के अंदर 15 साल से खरीदी कर रहे थे लेकिन किसान का धान आकर तैयार। वरिष्ठ सहयोगी संवाददाता राजधानी रायपुर में राजेश मूरत से बातचीत कर रहे हैं और पूछा जा रहा है कि पूरे देश में जिस तरह से जो आक्रोश किसानों का देखने को मिल रहा है उस कड़ी में ये बीजेपी का प्रदर्शन कितना महत्वपूर्ण है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आशीष तिवारी लगातार राजेश मूरत से बातचीत कर रहे हैं। जी आशीष, ओवर टू यू। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर ये बीजेपी का हल्ला बोल है। आपको बता दें कि किसानों के साथ छलावा, वादा निभाओ सरकार, इन तमाम बेहद ही महत्वपूर्ण चीजों को लेकर ये बीजेपी का हल्ला बोल है और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव की अगुवाई में ये आंदोलन हो रहा है तो किसानों की कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे और आगे भी हम उनसे इस बेहद ही महत्वपूर्ण प्रदर्शन को लेकर चर्चा करते रहेंगे। बहरहाल, अब तक की जानकारी के लिए उनका शुक्रिया। उत्तर प्रदेश